सास बहू की मजेदार कहानी। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ ना कुछ उसके विरोध में बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उसे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाड़ों से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूप व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो-रोकर पिता से कहने लगी, पिताजी मैं आप उस घर में नहीं जाऊंगी, यही आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2-3 दिन के बाद कहा, बेटी यदि मैं तुमसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, बेटी ने पिता से कहा। कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहां जाकर जैसे तुम्हारे सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तो तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ का बोलना ना बंद कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाले में थूक देना और फिर कुछ भी पलट कर मत कहना। बेटी को कुछ समझ भी नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती तुरंत बहू मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरा रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति नर्म हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलट कर कोई जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्यार करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमती और मार्केट और खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि स्वागत किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहा, बिटिया चलो यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं अब यही मेरा घर है, अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी, यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। प्रेम सब बातों को सह लेते हैं। रिश्ता बनाना आसान है, निभाना कठिन, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।